पहले डॉक्टर सुराजी और डॉक्टर तारिका, अब काजल भी गायब। ये हो क्या रहा है सर? हाँ फिर पता नहीं हमारे नाक के नीचे सब कैसे हो गया। एक एक करके सबको खत्म करना चाहता है कोई। इतना आसान थोड़ी है सीआईडी पे हाथ डालना। मगर मुझे पहले लगा कि कोई फॉरेंसिक के डॉक्टरों से बदला लेना था, मगर अब ये मामला कुछ और ही लगता है। क्या बड़ी क्या सोच रहा? सर सोच रहा हूँ कि अब किसका नंबर है। किसी को कुछ नहीं होगा, ना डॉक्टर सोनाली को, ना डॉक्टर तारिका को और ना ही काजल को। अभी बस चौकन्ना रहना होगा। सर तो ये वही आदमी तो नहीं है? एक मिनट रेडी, जरा सावधान रहना। सर संभाल के। अरे तो मर चुका है। फ्रेडी ये हमें मारना नहीं चाहता था, ऐसा ही लगता सर, इसीलिए से गाड़ी संभाल रही थी। सर कहीं इसने पी तो नहीं रखी थी? नहीं वो तो नहीं आ रही है। ड्राइविंग लाइसेंस इसका नाम वत्सल है। वत्सल डिलाइट कॉफी शॉप का एड्रेस लिखा है इसके विजिटिंग कार्ड पे। थैंक यू सर। अमित ये क्या कर रहे हो? पैसे वापस करो। ये तो सिर्फ 150 रुपए। शिल्पा मेरी जान, मुझे 350 और चाहिए। नहीं दे दो ना शिल्पा, ऐसे बार बार पैसे निकाल निकाल के नहीं दे सकती तुम्हें। वत्सल को पता चला तुम पे? वत्सल को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चिंता मत करो, उसे तो कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। अमित प्लीज, और कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। किसने कहा था शादी करने को? हा? मैंने कहा था शादी करने को, मैंने कहा था। बेकार की बात मत कर, एक बात कान खोल के सुन लो शिल्पा, मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगा, किसी के नहीं सुनने वाला मैं, समझे? तो अमित प्लीज नाराज मत होना। मेरे पास फिलहाल इतने ही है, ये ले लो और प्लीज यहां से चलो प्लीज। तुम्हारे पैसे तुम्ही को मुबारक, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, नहीं चाहिए। कुछ पता चला सोनाली का? फोन आया किडनैपर्स का? नहीं सर, उनके सोनाली का कोई पता नहीं चला और ना किडनैपर्स का कोई फोन है।
और तारिका और काजल के बारे में कुछ पता चला? उन दोनों के बारे में भी कुछ नहीं। समझ में नहीं आता है, किडनैपर्स पैसे के लिए फोन नहीं कर रहे, न धमकी देने के लिए फोन कर रहे हैं। यार ये चाहते क्या है? न पैसे के लिए फोन कर रहे हैं, न धमकी दे रहे हैं, आखिर चाहते क्या है? वही तो, एक बार इन तीनों को बचा लो ना साड़ूखे, फिर देखना क्या करता हूँ मैं उन किडनैपर्स का। और वैसे भी बाकी सारे केसेस है और पूरी की पूरी टीम लगी पड़ी है इन तीनों को बचाने के लिए। यार यार काम भी तो नहीं रोक सकते ना। और मुझे तो लगता है प्रद्युमन, ये किडनैपर्स यही चाहते हैं कि हम इतने परेशान हो जाएं कि अपने बाकी काम पे ध्यान ही नहीं दे पाए। वही तो। सांके, इसकी मौत हुई कैसे? बस मैंने इसकी ऑटोप्सी करके देखा है, इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई। दम घुटने से? लेकिन दम घुटने की वजह क्या है, हार्ट अटैक या दमा? मैं वही पता कर रहा था सचिन, बस मैंने इसकी किडनी में से पानी निकाल लिया है। अब उसे चेक करके देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अब देखना यह है कि ये पानी इस सॉल्यूशन के बाद क्या रिएक्ट करता है, नीला होता है या गुलाबी। सर इसका रंग तो गुलाबी हो गया, क्या मतलब इसका? मतलब ये बॉस कि मेरा शक एकदम सही निकला, इस वत्सल को जहर देकर के ही मारा गया है और उस जहर की वजह से ही इसका दम निकला। मतलब साड़ूखे, जब ये गाड़ी चलाते चलाते दया की गाड़ी के सामने आया तब तक जहर ने इसके शरीर पर काबू पा लिया था और इसीलिए ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। सही एकदम। सर ये भी तो हो सकता है कि इसने आत्महत्या करने के लिए जहर खुद ही खा लिया। करेक्ट। साड़ूखे पता लगाओ ये जहर है कौन सा और इसके शरीर में गया कैसे। तब तक हम डिलाइट कॉफी शॉप में जाकर पूछताछ करते हैं, पता तो चले ये खुद मरना चाहता था या इसे कोई मारना चाहता था। आप जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। आप? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। लेकिन सीआईडी क्या हुआ क्या है सर? हमें वत्सल के बारे में पूछताछ करनी है, आप अपने पूरे स्टाफ को बुलाइए प्लीज। आप लोग जरा ये वॉलेट देखिए, इसे पहचानते हैं आप लोग? जी सर, ये वत्सल का वॉलेट है, लेकिन आपके पास कैसे आया? ये हमें वत्सल की लाश के पास से मिला। What? लाश के पास? लाश मतलब वत्सल की मौत हो गई? लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे बच्चे की मौत हो गई? अच्छा, ये वत्सल आपका रिश्तेदार है? जी सर, मैं वत्सल का चाचा हूँ, लेकिन ये सब कहाँ हुआ? वत्सल आपको कहाँ मिला? हाईवे पर, उसकी खुद की अपनी गाड़ी में, उसके खून में जहर मिला है हमें। खून में जहर? लेकिन ये कैसे हो सकता है सर, खून में जहर कैसे जा सकता है? बस यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आखिरी बार कब देखा था तुमने वत्सल को? वत्सल सर तो सुबह ऑफिस में ही थे, फिर बाहर चले गए। हाँ सर, वत्सल यहाँ आया जरूर था, कह रहा था डेंटिस्ट के पास जाना है उसे, उसके दांत में कुछ हो गया था, शायद यहीं से निकलकर वो सीधा वहीं गया होगा। अच्छा, उसे देख के ऐसा लग रहा था क्या आपको कि वो किसी बात को लेकर परेशान है जिसकी वजह से उसने जहर खा लिया? नहीं सर, काफी खुश नजर आता था वो, भला वो आत्महत्या क्यों करेगा? हाँ सर, वत्सल सर कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। तो आप ये कहना चाहती हैं कि किसी ने उसे जहर दे के मार दिया? हाँ सर, ऐसा ही हुआ होगा। क्या वत्सल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, किसी के साथ कोई झगड़ा होगा? आप में से कोई जानता है इसके बारे में? हाँ सर, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ। कौन है वो? सर वो उसने वत्सल सर को एक बार धमकी भी दी थी, उसी ने जान से मारा होगा उनको। किसकी बात कर रहे हो तुम? सर वो श्रेया कंपनी में काम करता है। श्रेया कंपनी? जी सर। तुम जानते हो उसे? सर मैं उसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं पहचानता हूँ उसे। श्रेया कंपनी में चलते हैं, पता लगाते हैं। वहां बैठता है वो सर। क्या बात? जी सर।
यही है वो सर जिसने वत्सल सर का खून किया होगा। ये क्या है, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से, रिलायंस कॉफी शॉप के मालिक वत्सल का खून हुआ है उसके पूछताछ करने आए हैं, और अब जब मैं पूछूं तभी तुम बोलोगे, समझे? वत्सल का खून मना किया है ना? बोलो सुधीर। सर जब ये उस दिन वहां पर आए थे तो वत्सल सर के साथ इनका झगड़ा हुआ था। अच्छा, किस बात पर? सर ये डिलाइट कॉफी शॉप को खरीदना चाहते थे और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, तो इन्होंने उस जगह के लिए पूरे 5 करोड़ का ऑफर दिया था। एक कॉफी शॉप के लिए 5 करोड़? हाँ सर, जब वत्सल सर ने बेचने से मना कर दिया तो इन्होंने धमकी दी थी कि किसी भी कीमत पर इस जगह को हासिल करके रहूंगा। अब तुम बोल सकते हो। देखिए झूठ बोल रहा है, मैंने वत्सल को ऐसा कोई ऑफर नहीं किया। कोई पागल ही होगा जो एक टूटे फूटे कॉफी शॉप का 5 करोड़ रुपया देगा। अच्छा अच्छा, तो ये पागल है और कहानियां बना रहा है ना? मुझे क्या मालूम। हो, अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर। ये देखिए, यहां पे तो डिलाइट कॉफी शॉप है। सी, तो ये है श्रेया बिल्डर्स की नई बिल्डिंग डिलाइट कॉफी शॉप के जगह पर। अच्छा, डिलाइट कॉफी शॉप को गिराकर नई बिल्डिंग बनाना चाहते हो, और इसीलिए तुम 5 करोड़ रुपए देने को तैयार थे, क्यों? क्या? और जब वत्सल ने अपनी कॉफी शॉप बेचने से मना कर दिया तो खून कर दिया उसका। देखिए, मैं सब सच सच बताता हूं। हाँ, यह सच है कि वत्सल के कॉफी शॉप को मैं खरीदना चाहता था अपने नए टाउनशिप के प्लान के लिए, लेकिन उसके खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारी बात पे भरोसा करना मुश्किल है। आज सुबह तुम कहां थे? उमंग होटल में, एक मीटिंग थी मेरी। उमंग होटल में मीटिंग थी, पता लगा लेंगे हम, समझे मिस्टर रोहन? सारंगखे। हाँ सारंगखे, क्या और सबूत मिला? गुड, बस अभी आते हैं। हाँ सारंगखे। हाँ बॉस, पता चल गया है जहर इसके शरीर में गया कैसे। अच्छा, जहर मुंह से इसके शरीर में गया। अगर मुंह से जहर अंदर गया है तो इसने खाया ही होगा। नहीं सचिन, ऐसी बात नहीं है, मैंने इसके मुंह में केमिकल डाल करके देखा है, आप लोग भी देखिए। ये देखिए, वैसा ही गुलाबी रंग जैसे कि इसके किडनी का पानी का था। बिल्कुल सचिन, और देखो सबसे ज्यादा कहां चमक रहा? हाँ, जबड़े का ऊपर वाला हिस्सा चमक रहा। मतलब जहर जबड़े के ऊपर वाले हिस्से में सबसे ज्यादा फैला था। एक मिनट, ये देखो बॉस, ये देख रहे हैं, जब दांत कमजोर हो जाते हैं या टूट जाते हैं तब ये क्राउन लगाए जाते हैं ताकि दांतों को ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन आप लोग जरा यहां देखिए, सबसे ज्यादा केमिकल इन दो दांतों में ही चमक रहा है। तो सारंगखे, जहर उन दो दांतों के क्राउन में था जो जाकर के उसके शरीर में फैल गया। बिल्कुल, और जहर थोड़ा था इसलिए उसने धीरे धीरे ऐसा किया। इस बेचारे को तो मालूम ही नहीं होगा कि इसके शरीर में जहर है। मतलब खूनी जानता था कि वत्सल अपने दांतों में क्राउन लगाता है और इसीलिए उसने उसमें जहर लगा दिया। अब बॉस, क्राउन लगाने का काम तो कोई डेंटिस्ट ही कर सकता है। डेंटिस्ट? सचिन याद है, डिलाइट कॉफी शॉप के मैनेजर ने हमें बताया था कि वत्सल डेंटिस्ट के पास गया था। हाँ सर, हेल्दी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर साहब अंदर। हो गया दांतों का काम? हाँ, लेकिन आप अंदर कैसे घुसे? हाँ जरा प्लीज बाहर जाइए,
जाइए। आप कौन? जी हम सीआईडी से। सीआईडी और मेरे क्लिनिक में? आप डिलाइट कॉफी शॉप के मालिक वत्सल को जानते हैं? हाँ क्यों नहीं, वो मेरा पेशेंट है और मेरे पास आते जाते रहते हैं। उनकी मौत हो गई है। वत्सल मर गया? उसे किसी ने जहर देकर मार डाला है और हम लोग यहाँ यही पता लगाने आए हैं कि उसके पीछे हाथ किसका है। ये वत्सल आपके पास आता था क्या चेकअप के लिए अपने दांतों के? हाँ वो मेरे पास आया था, उसके ऊपर के दो दांत कमजोर हो गए थे, वो क्राउन डलवाने आया था, उसके क्राउन टूट गए थे इसीलिए बदलवाने आया था। उन क्राउन्स में जहर लगा था जिसकी वजह से वत्सल की मौत हो गई। जहर? जी हाँ जहर, कहाँ से आया ये जहर? सर मुझे मालूम नहीं है सर। ये जहर आप ही ने डाला था ना? हा? मैं अपने पेशेंट को जहर क्यों दूंगा? सचिन सारुंखे को बुलाओ, यहाँ पर सब पता चल जाएगा। सारुंखे यार ये तो पिंक हो गया। हाँ ये तो पिंक हो गया, वैसा ही गुलाबी कलर। इसका मतलब ये कि सारुंखे की जहर अभी भी यहाँ किसी तो चीज में है। हाँ अभी भी है। लेकिन इस टेस्टिंग में क्या डाला था हमने? यार सारुंखे आप तो ये हमें मत पूछ यार। एक मिनट यार याद करने दो। हाँ ये डाली थी बॉस, ये पेट्रोल में जली। जली? जली में जहर? मगर ये वत्सल के मुंह के अंदर तक पहुंची कैसे? ये तो डॉक्टर अशोक ही बताएगा। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, वो जहर उस जली में आया कहां? मुझे कुछ पता नहीं कि वो जली में जहर आया कहां से। पता नहीं तो फिर जरा सोचो, याद करके बताओ क्या हुआ था? बताइए। सर मुझे कुछ मालूम नहीं है सर, मैं सच कहता हूँ। अगर जहर आपने नहीं मिलाया तो ऐसा कौन कर सकता है? सर मैं नहीं जानता। सर अगर मैंने वत्सल को मारा होता तो वो जहर वाली जली इतने संभाल के क्यों रखता? तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि कोई और बाहर से आपके क्लिनिक में घुसा और उसने जहर मिला दिया उस जली में? सर यही हो सकता है सर। किस पर शक है आप बताइए, किस पर शक है? सर शक शक किस पे करूं सर? तो फिर तुमने किसी को उस जली को हाथ लगाते हुए देखा? नहीं सर। खुनी बड़ा चालाक है, वो जानता था कि वत्सल यहां पर आने वाला है। जरूर उसने पहले से ही उस जेली में जहर मिला दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रोहनी हो? श्रेया बिल्डर्स के मार्केटिंग मैनेजर रोहन को जानते हो आप? नहीं नहीं सर। एक काम कीजिए डॉक्टर अशोक, जिस वक्त वत्सल यहाँ आया था अपने दांतों का इलाज करवाने के लिए, उस वक्त यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स थे उन सब के नाम और टेलीफोन नंबर हमें दीजिए। जी सर। इनमें से ही कोई है जिसने उस जेली में जहर मिलाने का काम किया है। सचिन विवेक और फ्रेडी को कहो कि जाकर इन लोगों से मिले और पता लगाए।
तुझे ये एड्रेस बताया था। चलो देखते हैं। बाकी किसी पेशेंट का वत्सल से कोई लिंक नहीं मिला, ना ही उन्होंने क्लिनिक में कुछ अजीब देखा। शायद किसी पेशेंट से कुछ पता चल जाए। आप कौन? किसे मिलना है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग, शहर भर में आपका नाम है। पर हमें जोसेफ से मिलना है, वो है घर पे? जी, मैं उनकी बीवी हूँ। आइए आइए। आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? एक केस के बारे में पूछताछ करनी थी, आप जरा उन्हें बुला देंगी प्लीज? हाँ जरूर। आइए। इसमें तो ताला लगा हुआ है। माफ कर दीजिएगा, बुढ़ापा ना कुछ याद ही नहीं रहता। वो उस कमरे में है। चलिए। सब कुछ गड़बड़ लग रही है। सुनिए, आप जरा उन्हें बाहर बुलाइए। वो बीमार है, ज्यादा चल फिर नहीं सकते। बीमार है? मगर कल ही तो वो डेंटिस्ट के पास गए थे ना? हाँ, कल आए तब से तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। मैं जाके देखता हूँ। नहीं विवेक, तुम यहीं पे रुको, इनके साथ मैं अंदर जाके देखता हूँ। आप भी कल जोसेफ के साथ डेंटिस्ट के पास गए थी, राइट? जी हाँ। मिस्टर जोसेफ, मिस्टर जोसेफ, अरे वो बूढ़ी औरत कह रही थी कि जोसेफ अंदर ही है, मगर यहां तो आवाज कैसी? कोई बिल्ली होगी, यहाँ आसपास तो बहुत बिल्लियाँ हैं। ये कोई बिल्ली नहीं है, ये जरूर कुछ और है। ये आवाज वहाँ किचन में से आ रही है, क्या है उधर? अरे मैंने कहा ना आपसे, वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप चलिए। अरे सुनिए सुनिए, आप वहाँ नहीं जा सकते। नहीं जा सकता? नहीं। क्यों, अंदर को छुपा के रखा है? नहीं नहीं सुनो, ओह माय गॉड, आप लोग कौन? कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, हम लोग सीआईडी से, कुछ नहीं होगा आपको। तुम कौन हो? तुम हो कौन? देखो कौन हो तुम? रुक जा। हे, रुक जा। दरवाजा खोलो। विवेक का मैं कुछ नहीं कर पाई, उसने मुझ पर हमला किया। ठीक है, ये फ्रेडी तो मिल गया ना। जाओ जल्दी बैठो गाड़ी में, चल जल्दी बैठ।
आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। मैंने कितनी बार कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। हमने भी कहा कुछ किया है। आप अभी यही सोच रहे हैं कि मैंने वसल को मारा? सोचना कोई गलत बात है? क्या कह रहे थे तुम कि तुम कहां पर थे जब वसल का खून हुआ? मैं कितनी बार कह चुका कि मैं उमंग होटल में था। उमंग होटल में हमने पता किया, तुम्हारी मीटिंग वहां पे चल रही थी मगर तुम वहां पर नहीं। क्यों हो गया मुनी से पकड़े गए? वो हाँ बोलो कोई अच्छी कहानी सोचो। बोलो। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं मीटिंग में था। ये तो हमें भी पता है कि तुम मीटिंग में नहीं थे, मगर थे कहाँ ये बताओ, कहाँ थे तुम? सर मैं होटल में गया था मीटिंग के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, फिर मुझे जाना पड़ा सर। अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिले तुम, बल्कि तुम गए डेंटिस्ट के क्लिनिक में और वहां जाकर के दांतों के ऑपरेशन में जो जेली लगाई जाती है उसमें जाकर के जहर मिला दिया। वत्सल का खून इसी ने किया है सर। सर आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। क्लिनिक में जो भी पेशेंट मौजूद थे उनमें से किसी ने तो इसे देखा होगा। जरा बुलाते हैं उन सबको। यस सर। विवेक सर एक मिनट। क्या हुआ हु? क्या हुआ सर? उन लोगों ने फ्रेडी सर को भी किडनैप कर लिया है। उनको लॉकअप में ले जाओ। फ्रेडी को किडनैप किया? मगर तुम तो उसके साथ में थे ना? हाँ सर, हम दोनों साथ में ही थे, पर फिर पर मैं उन्हें बचा नहीं पाया सर। वो मेरे सामने ही निकल गए। कौन थे वो लोग, देखा तुमने उन्हें? हाँ सर, एक लड़की थी और उसके चार साथी थे। वही लोग होंगे सर जिन्होंने डॉक्टर सोनाली, तारिका और काजल को किडनैप किया। एक एक करके हमारे ऑफिसर्स पर हमला हो रहा है। ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ ये सब? सर हम दोनों रिया और जोसेफ के घर पूछताछ करने गए थे। ये लड़की जो किडनैपर है उसने बूढ़ी औरत का भेस ले रखा था। हमें उस पर शक हुआ सर, तो फ्रेडी सर एक कमरे के अंदर देखने गए सर। तो फ्रेडी को कुछ मिला वहां पर? पता नहीं सर, अरीसा के साथ उस कमरे में क्या हुआ। फिर दूसरी तरफ से कोई आवाज आई सर, मैंने जाके देखा तो रिया और जोसेफ बंधे पड़े थे। मैं उन्हें छुड़ाने लगा, इतने में उस लड़की ने मुझ पर हमला किया और क्या हा? और वो भाग गई सर, लेकिन मैंने उसका पीछा किया सर और मैंने देखा वो लोग फ्रेडी सर को एक गाड़ी में डाल रहे थे सर। मैं गाड़ी के पीछे भागा पर मैं कुछ नहीं कर पाया सर। वो लेके गए फ्रेडी सर को। कोई बात नहीं विवेक, तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने पूरी कोशिश की फ्रेडी को बचाने की। बकर एक बात समझ में नहीं आ रही है, उन लोगों को पता कैसे चला कि फ्रेडी और विवेक वहां जोसेफ के घर जाने वाले हैं? हाँ सर, उन लोगों को पता कैसे चला होगा? इसका एक ही मतलब है दया, उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी फ्रेडी और विवेक को भी किडनैप करने की, मगर विवेक बच गया सर। जोसेफ ने कुछ सुना है सर, जब उन किडनैपर्स ने उन्हें बांध के रखा था। जोसेफ ने सुना है? हाँ। तो ले क्या उन्हें? सबसे पहले कुछ करना पड़ेगा, इस आदमी की हिम्मत बढ़ती जा रही है। हाँ दया, आज तक जो कभी नहीं हुआ था वो हो चुका है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पे ही अटैक है। सर हाँ मिस्टर जोसेफ, क्या क्या सुना था आपने? वो जब हमें बांध रहे थे तो मैंने उन्हें आपस में बात करते हुए सुना। आप जब क्लिनिक में गए थे ना, उनकी नजर आप पर थी, उन्होंने आपका सारा प्लान जो था ना वो सुन लिया था। विवेक तुमने उस गाड़ी का नंबर लिया है ना? हाँ सर, ZXL 4F 2AAA। मैं भी चेक करता हूँ सर। हाँ विवेक, वो लड़की जो बूढ़ी के भेस में आई थी उसका चेहरा देखा तुमने, असली चेहरा? हाँ सर,
जब उस लड़की ने मुझ पर हमला किया तब ये विग मेरे हाथ में आ गई, तभी मैंने उसका चेहरा देखा। ग्रेट वर्क विवेक, अब हम उसका स्केच बनवा सकते हैं। मिस्टर जोसेफ, क्या आप जानते हैं इसे? हाँ साहब, इसे क्लिनिक में देखा था। क्लिनिक में आया? अच्छा मिस्टर जोसेफ, ये बताइए इसके अलावा और भी कोई था क्लिनिक में जो कोई अजीब बिहेव कर रहा था? हाँ साहब, मैं अपनी बीवी के साथ बैठा था तो जैसे मैं टॉयलेट के लिए उठा तो ये आदमी अंदर आया था। डॉक्टर से बोलो कि वत्सल आए। हेलो डॉक्टर, मिस्टर वत्सल आए हुए। अरे वत्सल, कैसे हो भाई? फर्स्ट क्लास यार। अच्छी है तुम्हारी ये क्राउन टूट गई। इन्होंने जिस आदमी को डेंटिस्ट के केबिन में देखा वही वत्सल का खूनी है। जैसे डेंटिस्ट वत्सल से मिलने केबिन के बाहर आया उसी वक्त उस आदमी ने केबिन के अंदर जाकर जेली में जहर मिला दिया। वेक, रोहन को लेकर आओ। यस सर। तो जिस गाड़ी में फेरी को किडनैप करके ले गए उस गाड़ी को ढूंढने का काम शुरू हो गया सर। ग्रेट सर। मिस्टर जोसेफ, इस आदमी को देखिए, क्या वही आदमी है जिसे आपने डेंटिस्ट के कैबिन में देखा था? यकीन से नहीं कह सकता। आपने तो उसे अच्छी तरह से देखा था ना? नहीं, जब मैंने उसे देखा ना उस वक्त उसकी पीठ मेरी सामने थी। आप जरा इन्हें ध्यान से देखिए, सोच के बताइए। आप इन्हें चलने के लिए बोलिए। क्यों? मिस्टर रोहन, जरा चल के दिखाइए, जाइए वहां तक और वापस आइए। जाइए जाइए जल्दी। ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। जैसा कि जोसेफ ने बताया, जिस आदमी को उन्होंने डेंटिस्ट के कैबिन में देखा था वो लंगड़ा के चलता था, मगर ये रोहन तो ठीक ठाक चल रहा है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। अब यकीन हुआ? प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। ठीक है मिस्टर रोहन, तुम्हें जाने की इजाजत दे रहा हूं मगर शहर छोड़कर नहीं, समझे? थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस जोसेफ, आप भी जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। खूनी लंगड़ा के चलता है, कौन हो सकता है? अभिजीत। अच्छा ग्रेट, तुम वहीं पर हो ना? तो आज जितने भी लोग काम करते हैं उन सब की लिस्ट और फोटोग्राफ्स मेल कर। हाँ ओके। क्या सर? वत्सल के खून में हमें हेलिजोन केमिकल मिला। वो हेलिजोन केमिकल श्रेयांका लेबोरेटरीज बनाती है और श्रेयांका लेबोरेटरीज श्रेया बिल्डर्स की ही कंपनी है। तो मतलब सर ये खून रोहन नहीं कर रहा है? लगता तो ऐसा ही है। इसे पकड़ लूं सर? नहीं रे, अभी नहीं, पहले देखते हैं अभिजीत ने क्या लिस्ट भेजी है। पॉज करो, ये देखो ये आदमी, इसे मैंने कहीं देखा है। कहां देखा है? डिलाइट कॉफी शॉप। मतलब सर
खून रोहन नहीं कर रहा है। दया, लगता है वत्सल के साथ इसकी कोई दुश्मनी थी जिसका फायदा इस रोहन ने उठाया। सर आप लोग यहां आइए प्लीज, खूनी के बारे में कुछ पता चला? शिल्पा तुम अमित को जानती हो? हाँ, अमित तो शिल्पा का बॉयफ्रेंड है, तो उसे तो जानेगी ही ना सर। मैंने पूछा शिल्पा अमित को जानती हो तुम? हाँ सर। अमित जो श्रेया लेबोरेटरी में काम करता है। जी सर, क्या वो लंगड़ा के चलता है? हाँ अमित लंगड़ा कर चलता है, लेकिन अब क्या किया उसने? जिस आदमी ने वत्सल को जहर दिया है वो भी लंगड़ा के चलता है। मुझे तो पहले से ही इन दोनों पर शक था। ये क्या कह रहे हो आप, हमने तो कभी ऐसा। क्यों शक था आपको? क्या बताऊं सर आप लोगों को, मेरा वत्सल बहुत सीधा साधा था। वो शिल्पा का तो वो अपनी बहन मानता था, लेकिन ये और उसका बॉयफ्रेंड जुआरी अमित दोनों मेरे वत्सल के पैसों पर ऐश करते रहे। नहीं सर, ये सब झूठ है, अमित ऐसा कभी नहीं कर सकता, और वत्सल के खून के बारे में वो सोच भी नहीं सकता सर। अमित को आखिरी बार कब मिली थी तुम? कल जब आप लोग यहाँ पे आए थे। और उसके बाद तुम नहीं मिली उससे? नहीं। सच बोल रही हो? देखो शिल्पा, सच सच बताओ, आखिरी बार तुम अमित से कब मिली थी? कल जब सुधीर आपको श्रेया कंपनी ले गया था, तब मैंने अमित को फोन करके सब कुछ बता दिया। क्या मतलब? अमित जानता कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए वो ऑफिस में नहीं मिला, और अब तक तो वो सामान बांध के बाहर भागने की तैयारी कर रहा होगा। एड्रेस बताओ अमित का। जी सर। अमित को बुलाओ। अरे सर, अमित सर घर पर नहीं है। देखो हम लोग सीआईडी से, कहाँ गया अमित, कुछ बता के गया क्या? सर अमित सर तो कुछ बता के नहीं गए, पर सर रात में एक फोन आया था, तो मैंने उन्हें बात करते सुना था कि जूना मंडी किसी से मिलने जाना है। किसका फोन था, नहीं सुना? सर ये पता नहीं सर। मोबाइल नंबर दो जरा। सर एक मिनट दे रहा हूँ सर, एक मिनट सर, लीजिए सर। बेल जा रहे हैं मगर उठा नहीं रहा है। सर अगर फोन ऑन है तो हम लोग पता लगा सकते हैं इस वक्त कहां पे होगा वो। हाँ अभिजीत, लगाओ पता। उसके फोन चालू रहना चाहिए, फिर वो हमारे हाथ से बच नहीं सकता। सर मोबाइल फोन अभी भी जूना मंडी में ही है। जूना मंडी में? यस सर। लगता है कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, उसके निकलने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए था। देखो सर, सिग्नल अभी भी वहीं से आ रहा है। वहीं से आ रहा है, कम से कम आसपास ही कहीं होगा। सर मोबाइल यहीं कहीं है सर। विवेक जरा उसको फोन लगा। पूरा फोन उसके पास। फोन लगा। नहीं साहब मेरे पास फोन नहीं, फोन नहीं साहब। सर नहीं, हट हट सर। सर फोन काम कहाँ से आया तू? सर चोरी नहीं की साहब, सर चिकन में चोरी नहीं की सर, वहाँ पाड़ा मिला साहब। क्या मालिक कहाँ? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, कचरे का डब्बा है ना साहब, वहाँ पे पाड़ा मिला साहब। मैं निर्दोष हूँ साहब। कचरे के डिब्बे के पास? तो मोबाइल उस बच्चे के पास मिला और अमित भी गायब है। जरा देखो तो सही आखिरी फोन कहाँ से आया था। सर आखिरी नंबर किसी लैंडलाइन का है सर, रात को 2 बजे किया गया है। रात के 2 बजे? हाँ सर, मैं भी पता करता हूँ टेलीफोन एक्सचेंज से नंबर कहाँ का है। हेलो
मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। जरा ये नंबर लिखिए 1789-6484। हमें ये पता करना है कि नंबर कहाँ का है। हाँ क्या पक्का? ओके ओके या थैंक यू सर। ये नंबर डिलाइट कॉफी शॉप का है। डिलाइट कॉफी शॉप? सर ये डिलाइट कॉफी शॉप रात के 2 बजे बंद रहता है। हाँ विवेक, इसका मतलब एक ही है, उस डिलाइट कॉफी शॉप के अंदर कोई एक आदमी है जिसका वत्सल के खून से कोई ना कोई संबंध है। हाँ हम जीत गए, अब ये कॉफी शॉप सिर्फ मेरा है। हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, लेकिन इस बार मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। 6 करोड़ में होगा, समझे? बस बस, ज्यादा सपने देखना बंद करो, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे, समझे? ये पहले तो फसवा दिया था उसने। हेलो, कौन कौन बोल रहा है? अमित? नहीं, तुम अमित नहीं हो सकते। कौन हो तुम? कहां से बोल रहे हो? कौन हो तुम? देखो अमित, देखो तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो, सीआईडी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझे? नहीं प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, बस। ठीक है, तुम नाना नानी पार्क में ही रुकना, मैं तुम्हारे हिस्से का पैसा लेकर वहीं पर आ रहा हूं, वहीं से हिलना मत, समझे? ठीक है, बाय। हिस्सा लाए हो? हाँ लाया हूँ। बहुत पुण्य किए होंगे तुमने अमित, जो तुम मेरे हाथों से बच गए थे, लेकिन अफसोस आज तुम फिर से मेरी जाल में फंस गए हो। आज तुम्हें तुम्हारा हिस्सा बराबर मिलेगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, फरेब किया है मेरे साथ, गलत है, ये बिल्कुल गलत किया तुमने, गलत है। गलत क्या है और सही क्या है तुझे मैं सिखाऊंगा। वत्सल मेरा बच्चा, बड़े प्यार से नाम ले रहे थे उसका हमारे सामने, और खुद के हाथों से उसका खून कर दिया। ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं, समझा? हाथ और गर्दन दोनों तोड़ूंगा, बोल। क्यों मारा वत्सल? मारता नहीं तो और क्या करता। मैंने पूरी जिंदगी अपने भाई की कॉफी शॉप में एक मैनेजर बनकर निकाल दी, ये सोच कर के एक ना एक दिन वो मुझे एक हिस्सा जरूर देगा। लेकिन नहीं, वो कमीना निकला, उसने सब कुछ अपने बेटे वत्सल के नाम कर दिया। मैंने अमित की लैब से जहर मंगवाया और वत्सल को मेरे रास्ते से हटा दी। एक भी सबूत नहीं छोड़ा था मैंने, लेकिन जब से अमित को पता चला कि उसकी लैब से मंगवाए हुए जहर से मैंने वत्सल को मारा है, तब से उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने उसे भी रास्ते से हटा दी, उसे भी मार डाला मैंने। कुछ पैसों के लिए तुमने अपने भतीजे का खून किया और फिर वो खून छुपाने के लिए दूसरा खून किया। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। अब फांसी का ऑर्डर आने तक
जेल में सड़ते रहना, कॉफी शॉप बेचने के सपने बुनते बुनते। ये सीबी प्रद्युमन है क्या? उस गाड़ी के बारे में पता चल गया क्या? क्या ठीक है, हम अभी आते हैं। या क्या बात है सर? उस गाड़ी के बारे में पता चल गया, वो गाड़ी जिसमें फ्रेडी को किडनैप किया था, चोरी की गाड़ी थी वो। फ्रेडी सर के बारे में कुछ पता चला सर? नहीं। बात क्या है सर, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं सर? हम कैसे भी करके उन किडनैपर्स को ढूंढ निकालेंगे सर। मैं फ्रेडी सर को कुछ भी नहीं होने दूंगा सर। उस गाड़ी में एक जली हुई लाश मिली है। लाश फ्रेडी सर की? मालूम नहीं। भगवान करे ये फ्रेडी ना हो। देखो जरा, देखो। देखो जरा कुछ मिलता क्या? ताशा, ताशा देखो गाड़ी में, आगे देखो। हाँ? किसी लड़की का सलवार सूट मिला है? कहीं ये उस लेडी के डेवर का तो नहीं? हाँ हो सकता है। सो हाँ For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.